नमस्कार बच्चों, हम आपके सामने आज दोबारा फिर से इस इनहेरिटेंस जो हमने इससे पीछे वीडियो में इनहेरिटेंस पढ़ा था उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि इनहेरिटेंस में वो क्वेश्चन कैसे आते हैं जो 12th क्लास में आते हैं। तो ये हमने पुराना प्रोग्राम पढ़ा था, हम दोबारा रिवाइज कर देते हैं। इसमें एक क्लास ली गई है एमपी, उसको इनहेरिट कर रहे हैं पर्सन नाम के क्लास में, और पर्सन नाम की क्लास को ऑब्जेक्ट बना के मेन में हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहला क्वेश्चन कि जो ऑब्जेक्ट है वो किन किन मेंबर को एक्सेस कर सकता है। तो देखिए, मेंबर्स की बात कर रहे हैं, तो मेंबर्स में कौन कौन से मेंबर हैं। ऑब्जेक्ट पब्लिक वाले को एक्सेस कर लेता है, तो पब्लिक में सैलरी है तो सैलरी पब्लिक है। अब पब्लिक ही कॉल हुआ है, यानी पब्लिक ही जो है इनहेरिटेंस हुआ है, तो ये सैलरी जो है इसके पब्लिक सेक्शन में चला जाएगा। तो अगर हम मेंबर की बात करें तो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दो आते हैं मेंबर्स में। तो डेटा मेंबर हो गया आपका सैलरी जो इसमें आ जा रहा है पब्लिक में, और मेंबर फंक्शन ये नेम जो है इसके प्राइवेट में है, इसको ऑब्जेक्ट डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, फंक्शन के थ्रू ही एक्सेस कर पाएगा, इसलिए ऑब्जेक्ट इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो डाटा मेंबर में सिर्फ सैलरी आएगा, और मेंबर फंक्शन में पब्लिक में इनपुट फंक्शन है और डिस्प्ले फंक्शन है, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट एक्सेस कर लेगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट पर्सन जो पर्सन नाम के क्लास जो है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी साइज़ क्या है। तो साइज़ का मीन्स होता है जितने मेंबर्स इनहेरिट हो रहे हैं, जितने मेंबर्स को यूज़ किया जा रहा है, जितने मेंबर प्रोग्राम में हैं और इनहेरिटेंस हो रहा है अगर, तो सारे मेंबर्स को ऐड कर लिया जाएगा। जैसे सैलरी 2 बाइट, नेम 30 बाइट, 32 बाइट का हो गया, तो ऑब्जेक्ट की साइज़ हो जाएगी 32 बाइट। तीसरा क्वेश्चन, अगर हमने यहाँ पे कह दिया कि एक मान लीजिए कि वेरिएबल बना दिया यहाँ पे, एक सिंपल सा हमने int a ले लिया, और कहा गया कि उन मेंबर्स को बताएं जो इनपुट फंक्शन के द्वारा एक्सेस हो सकते हैं। तो इनपुट फंक्शन किसका मेंबर है, पर्सन क्लास का। पर्सन क्लास में कौन से मेंबर हैं, नेम इसको एक्सेस कर सकता है, सैलरी इसमें आ रही है तो सैलरी एक्सेस कर सकता है, लेकिन ए प्राइवेट मेंबर है वो इसमें एक्सेस, ए प्राइवेट मेंबर है और प्राइवेट मेंबर दूसरी क्लास में नहीं जाते हैं इसलिए एक्सेस नहीं होगा। तो सिर्फ मेंबर होंगे सैलरी और नेम, दो ही मेंबर होंगे। अगर पूछा जाए मेंबर फंक्शन कौन कौन से एक्सेस हो सकते हैं, मान लीजिए एक मेंबर फंक्शन भी यहाँ हमने बना दिया इंट, मान लीजिए आर ऐसे करके कुछ बना दिया, और हमने इसमें कोई वर्किंग करा दी और इसको ऐसे करा दिया रिटर्न। ये तो सिंपल सा एक एग्जांपल है, ये रन नहीं करेगा, ये हमने जो लिखा है ये गलत है, ठीक है। हमने कुछ भी मान लीजिए रिटर्न ए करा दिया, चलिए सही कर देते हैं इसको, रिटर्न ए करा दिया। तो कहें कि कौन से फंक्शंस एक्सेस हो सकते हैं ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट से सिर्फ फंक्शंस जो फोर्थ क्वेश्चन बन सकता है कि ऑब्जेक्ट से कौन कौन से फंक्शन एक्सेस हो जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट से जो क्लास का ऑब्जेक्ट है वो भी वो पर्सन क्लास का है, और पब्लिक में जो जो आ रहे हैं उसको एक्सेस कर सकता है। तो पब्लिक में सिर्फ आपका इनपुट फंक्शन है और इसका डिस्प्ले फंक्शन है, तो सिर्फ दो ही फंक्शन को यानी दो ही मेंबर्स को ये एक्सेस कर सकता है क्लास का ऑब्जेक्ट, जो कि फंक्शन ये भी बना है लेकिन ये प्राइवेट में है जो इनहेरिट नहीं होगा, इसलिए ये इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, इसके आगे फिर बढ़ते हैं।